गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ यानी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 4 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग तथा धारा के मध्य संबंध, इसका हम लोग निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध, तो इसे भी हम लोग देखेंगे लेक्चर के लास्ट में। गाइस, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग 2 से 3 स्टार बना लेना, और ये समझना कि आज के इस लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम के 3 से 4 नंबर तैयार हो जाने वाले, क्योंकि यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हर वर्ष ये आपके एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी सेट में। कभी कभी इस क्वेश्चन पर यानी इस डेरिवेशन पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो कभी कभी यह डेरिवेशन ही डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आप सभी को पूरी कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर में बैठना है और पूरी तरीके से इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसे लेक्चर के बाद तुरंत 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस भी कर लेनी है, पूरी तरीके से तैयार कर लेना है कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े आपको। और मैं भी कोशिश करूंगा आपको इस तरह से समझाया जाए ताकि ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए और इसी क्लास में आपको पूरी तरीके से याद भी हो जाए। तो गाइस, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले कुछ नए स्टूडेंट हैं जिन्हें क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं सभी क्लास का पीडीएफ देता हूं, तो वे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूं क्लास के होने के 3 से 4 घंटे के बाद, ठीक है। या फिर आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, मैं अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर एक गुलाम बैच है, उस गुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली क्लास का पीडीएफ तो दी जाती है, साथ साथ में पूरी क्लास का भी पीडीएफ दी जाती है। जैसे चैप्टर नंबर 2 हुआ है तो चैप्टर नंबर 2 का पूरा एक ही साथ पीडीएफ है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, हर पूरा का पूरा पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएंगे। किसमें? गुलाम बैच में। ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री में है। कैसे ज्वाइन करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, उसे देखकर वैसे वैसे करेंगे तो ये बैच कोड है, बैच कोड डालकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बैच कोड वगैरह नहीं डालने के लिए आपको देता है, तो ये व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर है, इस पर तब आप लिखकर भेजना, सर मुझे ज्वाइन होना है, मैं ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ, साथ में उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना, तो वहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प दे दी जाएगी। गाइस देखिए, क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं डायरेक्ट पूछने लगते हैं, तो देखिए इतने स्टूडेंट्स की, हज़ारों स्टूडेंट का डेली मैसेज आता है, तो उसे आप 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिप्लाई करने में, तब आप पीछे थोड़ा सा हो जाओगे, 2-3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए एक बार वीडियो को देखना, वहाँ पर पूरी तरीके से मैं बताया हूँ, और ज्वाइन हो पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते तब आप यहाँ पर पूछना, ठीक है। एक बार अपने से ट्राई कर लेना, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। जल्दी मैं आपको देने स्टार्ट करूंगा, 2 से 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब मैं सोचा हूँ 3रा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तब से आपको वहाँ पे डीपीपी देने स्टार्ट कर दूंगा, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे देने स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और वहाँ पर असाइनमेंट टेस्ट लेने स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के, और सभी लोग प्रेजेंट सर लिखें जो डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं। एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें जो डेली डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपवाह वेग के बारे में जरा डिफिनेशन लिखिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपवाह वेग का डिफिनेशन लिखिएगा। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया हूँ अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग, वेग किसे कहते हैं ये आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं एक बार ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए कोई भी चालक है, मान लेते ये कोई चालक है आप सभी के सामने, इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है ये धन, ये चालक के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चालक की इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो चालक की इलेक्ट्रॉन है, ये चालक की इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र वाय वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या फिर जब यहाँ पर विभवांतर लगाते तब, यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यह एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। गति किस साइड में करते हैं? यह गति करते हैं आपके धन सिरे की तरफ, धन सिरे की तरफ एक निश्चित वेग से गति करते हैं, और भी आयनों से टकराते हुए। ये यहाँ पे देखिए, किसी भी चालक में धनायन तथा ऋणायन दोनों होते हैं, जब चलेंगे तो किसी न किसी से टक्कर होगा, टकराते हुए एक निश्चित वेग से गति करते हैं, तो इस वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। फिर से समझिएगा डेफिनेशन, जब हम किसी भी चालक तार में वोल्टेज लगाते हैं या वाह वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं चालक के धन सरिये की ओर,
और इसी वेग को, इसी गति को, जिस वेग से वे गति करते हैं उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह। आइए डिफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद आपको इसके बीच संबंध बताते हैं। देखिए, वह वेग जिसके द्वारा चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वाह विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, देखिए वाह विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है या यहाँ पे जब वोल्टेज लगाते हैं तब पर भी हो सकता है, कोई भी हो यहाँ पे ऊर्जा मिलनी चाहिए। यानी वह वेग जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वाह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन सिरे की ओर गति करते हों उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। ये मैं आपको बताता है, ठीक है, कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग का यह डिफिनेशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वह वेग जिसके द्वारा किसी भी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वाह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन सिरे की ओर गति करे उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, यह भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसे VD से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। यह मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कब बताया था, लास्ट लेक्चर में, अंतिम लेक्चर में ये सभी चीज़ें आपको मैं डिस्कस किया था, समझाया था, बताया था, आपको क्लियर किया था, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा अनुगमन वेग, इस अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है। जरा सभी लोग एक बार इस डिस्कशन को लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, उसके बाद मैं आपको इस संबंध को कराने जा रहा हूँ। संबंध क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, I = होता है NeaBD। इस संबंध को हमें प्रूफ करना है, इसी संबंध को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। हेडिंग करेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिखना तैयार कर लेना। हेडिंग करेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध, वेग तथा धारा के मध्य संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, इसे सभी लोग हेडिंग कर लेना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यह मान लेते हैं कि एक यल लंबाई का ये कोई चालक तार है, यल लंबाई का कोई चालक तार है इस तरह से, ठीक है, यल लंबाई का कोई चालक तार है जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है। यह आपका इधर इस साइड आपका रेड टर्मिनल है, इधर धन टर्मिनल है। इसमें के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब यहाँ पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ये लिम जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये जो है गति करने लगते हैं, किस साइड में, इस धन टर्मिनल की तरफ, ठीक है, किससे, एक नियत वेग VD से जो कि अनुगमन वेग है, ठीक है, इसे मुझे याद करना है। और इसकी लंबाई क्या है, यल है, इसकी लंबाई क्या है, यल है। हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि माना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं स्टेटमेंट नहीं लिख पाता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख पाते, तो लिखो माना एक चालक तार जिसकी लंबाई यल है, ये लंबाई यल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए क्या करता है, एक चालक तार की लंबाई यल है तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये हमने माना, ठीक है। अब इस चालक तार की आयतन क्या होगा जरा बताइएगा सभी लोग, इसका किसी भी चालक तार का, कोई भी चालक, उसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है किसी भी चालक तार का, ये आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चालक तार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस लंबाई गुणे चौड़ाई के स्थान पर क्षेत्रफल ए को लिखते हैं इंटू ऊंचाई मतलब लंबाई एल, ऊंचाई का मतलब लंबाई एल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका जो है आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसका जो है अगर आयतन को हम लोग, ये लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यल ए लिख सकते हैं, जो कि क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऊंचाई मतलब इसकी लेंथ, ऊंचाई यल लिख सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई मैंने यहाँ पे यल लिखा, ठीक है। ऊंचाई हमने क्या यहाँ पे लिखा, यल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चालक तार का क्षेत्रफल, सॉरी चालक तार का आयतन, चालक तार का आयतन क्या होगा, ए इंटू यल, ए इंटू यल। चालक तार का आयतन क्या होगा यहाँ पे, ए इंटू यल। चालक तार का आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू यल, ठीक है। अब देखिए हम ये मानते हैं, माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, यहाँ पे मानते हैं, माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है। अब मैं बात को जो समझाना चाह रहा हूँ समझना जरा। देखिए आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में 10 रूम है, 10 क्लास रूम है, और एक क्लास रूम में 10 लड़के हैं। बात को जरा आप समझिएगा, एक क्लास रूम में 10 लड़के हैं, आपके यहाँ 9 क्लास रूम है, 9 क्लास रूम है, 9 क्लास रूम है, आपके यहाँ एक क्लास में 10 रूम, 10 लड़के हैं, और आपके यहाँ 9 क्लासरूम है, तो कुल कितने लड़के हो जाएंगे, संपूर्ण क्लास में कितने लड़के हो जाएंगे, जरा बोलो सभी लोग, संपूर्ण क्लास में कितने लड़के हो जाएंगे। सही बोल रहे हो, 90 लड़के। क्या किया आपने, 10 का 90 में गुणा किया। एक बार और ट्राई करते हैं। आपके पास एक मिठाई का डब्बा है, एक मिठाई के डब्बे में 3 लड्डू हैं। अब लड्डू क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर पढ़ाई करोगे तब पर भी लड्डू मिलेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तब पर भी लड्डू मिलेगा। बस एक ये क्या हो गया, आपका एक अलंकार टाइप का हो गया ना, पढ़ाई करोगे तब लड्डू मिलेगा, कब, जब पास हो जाओगे लड्डू खाने को मिलेगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, लड्डू आपके कापी में मिलेगा। तो बात समझना, 3 लड्डू हैं आपके डब्बे में और आपके पास 8 डब्बे हैं, तो कितने कुल लड्डू हो जाएंगे, 8 × 24 लड्डू। बात समझ रहे हो, मैंने क्या किया यहाँ पे, कूड़ा किया, वही तो बात यहाँ पे हो रही है। चालक तार का आयतन एल है और एक एकांक आयतन में, एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन आयतन है, एन इलेक्ट्रॉन है। बात समझना, चालक तार का आयतन एल है और एकांक आयतन में, एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, एन है। चालक तार का आयतन एल है और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी जरा बताओ सभी लोग, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप लोग लिख सकते हो, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण आयतन में या संपूर्ण आयतन में लिख देना यहाँ पे, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगा, एन ए एल। संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल हो जाएगी, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन ए एल हो जाएगी, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल हो जाएगी। आपको मालूम है आवेश इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश Q इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन ई, ये आवेश Q इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन ए एल है, यानी कैपिटल एन का वैल्यू यह है एन ए एल है, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए एल। बात समझ में आई, इंटू ई, यानी आवेश क्यू इज इक्वल होता है एन ई, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन ए एल है, तो यहाँ पे एन ए एल इंटू ई हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को, बिल्कुल बात समझ में आई सभी को। चलिए आगे देखते हैं, अब क्यू इज इक्वल टू आप लोग मानते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी भी होता है, ये फार्मूला आप सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते होंगे, Q इज इक्वल टू आई टी होता है।
तो यहाँ पे क्यू के स्थान पे आई इंटू टी लिखेंगे, इंटू एन ए एल ई लिखेंगे, इंटू एन ए एल ई लिखेंगे, आई टी इज इक्वल टू एन ए एल ई लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू एन ए एल ई लिखेंगे, एन ए एल ई लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक, अब देखिए समीकरण नंबर एक, ठीक है, माना लिखेंगे यहाँ पर, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी डी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, वी डी है, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वेग वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ये होता है ना, दूरी बटे समय, यहाँ पे दूरी क्या है, यह यल है, यानी यल लंबाई है बटे टी हो जाएगा, यल लंबाई बटे टी हो जाएगा। अब यहाँ से इस टी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं यन ए एल ई बटे आई। अब यहाँ से ये जो टी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपान यन ए एल ई बटे आई। तो यहाँ पे देखिए यह यल इस यल से कट जाएगा, तो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपान यन ए ई, ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो आई इज इक्वल टू लिख सकते हो एन ए वी डी ई, या फिर आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, यह आपका प्रूफ हुआ। कुछ नहीं करना है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन था, यहाँ पे आयतन था ए एल, तो ए एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल हो जाएगा। मैंने आपको क्लासरूम का एग्जाम्पल लेके बताया, मैंने आपको लड्डू का एग्जाम्पल लेके बताया, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए एन ए एल, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एन का मात्रा संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल है, तो यहाँ पे एन ए एल इंटू ई हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई, यहाँ पे क्यू का वैल्यू आई टी लिखेंगे, सॉल्व करेंगे आई टी से टी का वैल्यू, देखिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नीचे चला जाएगा, एन ए एल ई अपान आई, तो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू एल अपान टी हो जाएगा, यहाँ पे एल टी का वैल्यू एन ए एल ई अपान आई, तो यहाँ पे वी डी का वैल्यू हो जाएगा एन ए ई वी डी, आई का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात प्रूफ करना है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, तो इसे आप सभी लोग नोट करिएगा, तब हम आपको सिखा रहे हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, सभी लोग एक बार नोट करिएगा। अब हेडिंग करिएगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, इसे हम रब कर रहे हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन, धारा घनत्व तथा अनुगमन धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है, धारा घनत्व जे इक्वल टू होता है आई अपान ए, आई अपान ए, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू यही होता है ना आई अपान ए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था धारा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित धारा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा, मैंने बताया था आयतन नहीं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा, यानी आई अपान ए धारा घनत्व होता है। अब यहाँ से फार्मूले से आई का वैल्यू क्या निकल के आया, एन ई ए बी डी, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई ए बी डी अपान ए, यहाँ से यह ए कट जाएगा, जे इज इक्वल टू एन ई बी डी हो जाएगा, ये आपका धारा घनत्व तथा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है। तो इन दोनों संबंधों को आप बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना, दो से तीन बार लेक्चर को देखना, मैं बता रहा हूँ आपका तीन से चार नंबर तैयार हो जाएगा, तीन से चार नंबर तैयार हो जाएगा, 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद आपको।